हेलो दोस्तों दोस्तों मैं हूं तुषार साहू एंड वेलकम माय चैनल जैसे कि आप अभी देख सकते हैं हमारे पास में 2021 मॉडल मारुति सुजू की का, वी गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर सारी लेटेस्ट ऐसी इंस्टॉल की गई जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एंड्रॉइड सिस्टम डाला गया है रिवर्स पार्किंग कैमरा लेमिनेशन बकेट सीट कवर्स और सारी एक्स पूरी गाड़ी का रिव्यू आपको इस वीडियो में मिलने वाला है भाई तो वीडियो को आप आगे तक मेरे साथ देखेगा दोस्तों जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हमारे पास में 2021 मॉडल मारुति सुजुकी की कार है यहाँ आप देख सकते हैं वी एक्स आई वेरियंट है और इस गाड़ी के अंदर एसेसरीज अभी इंस्टॉल होने वाले जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा तो चलिए इस गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है आप यहाँ पर देख सकते हैं लुकिंग वाइज बढ़िया है और यहाँ पर अलॉय व्हील्स डाले गए हैं भाई वी एक्स आई में मिलते नहीं है तो ये कंपनी से अलॉय व्हील्स ग्रे कलर के इसमें लगाए गए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी के हम लोग टायर से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वी एक्स आई के अंदर आपको अलाउ व्हील्स नहीं मिलते हैं स्टील व्हील मिलते हैं लेकिन यहाँ पर कंपनी वाले आपको अलाव व्हील्स देखने मिल जाएंगे जो कि ग्रे कलर के लुकिंग वाइज बहुत बढ़िया लगते हैं और फिटमैन बढ़िया है तो आप यदि टॉप वेरियन लेते हैं तो उसमें इस तरीके के अलाय व्हील्स मिलते हैं लेकिन यदि आप चाहें तो कंपनी से ही अपनी वी एक्स वेरियंट या एल एक्स आई के लिए लगवा सकते हैं अलॉय व्हील्स नेक्स्ट एक्सरीज़ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्रोम लाइन डोर वाइज है फॉर आर्टिका इसके ऊपर लिखा हुआ है नीचे में स्पाइडर डिज़ाइन है और लुकिंग वाइज ये बहुत बढ़िया लगते हैं इंस्टॉल होने के बाद में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो टोटल सेट ऑफ सिक्स पीस आपको मिलते हैं जो विंडो है उस पर लग जाते हैं और बड़ा ही प्यारा लुक देते हैं एक्सटीरियर में तो आप भी अपनी का गाड़ी के लिए इस तरीके के क्रोम लाइन डोर वाइजर लगवा सकते हैं और बढ़िया इसका परफॉर्मेंस भी रहता है चलिए इसके अलावा हम लोग बात करें तो इस गाड़ी के अंदर रूफ लेल साइड क्लेडिंग और लोअर गार्नेस का इंस्टॉलेशन भी किया गया है तो हम लोग अभी बात करेंगे इस गाड़ी के लोअर गार्नेस की तो यहाँ आप देखिएगा ये जो क्रोम लाइन जो दिख रही है ये इसे लोअर गार्नेस कहा जाता है और ये फ्रंट साइड से लेकर बैक साइड तक पूरा फुल भी कवर करता है और ये हाफ़ वाली यहाँ पर आपको भी देखने को मिलेगी तो टोटल फोर पीस का ये सेट रहता है हाफ़ और आप चाहे तो लॉन्ग वाली भी आती है जिसमें पूरा कवर होता है फ्रंट टू एंड तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए तो यहाँ पर लोअर गार्निश के अलावा हमारे पास में काफ़ी खूबसूरत साइड क्लैडिंग है जो कि ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन वाला है और ये लुकिंग वाइज बहुत बढ़िया लगता है क्वालिटी प्रोडक्ट है आर टी का इसके ऊपर लिखा हुआ आता है और इंस्टॉल होने के बाद में ये आपके गाड़ी के डोर को तो प्रोटेक्ट करके ही रखता है बाकी लुकिंग वाइज भी अच्छा लगता है तो ऑलराउंडर है ये किसी भी कलर पे आप लगा सकते हैं वाइट हो ये ग्रे हो या सिल्वर हो तो उसके लिए बढ़िया चीज़ है ये अभी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एबीएस क्वालिटी का ही यहाँ पर लगाया गया है रूफ रेल ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन है और पूरा फ्रंट साइड से बैक साइड तक पूरा कवर करता है तो आप इस तरीके के रूफ रेल का इस्तेमाल कर सकते हैं रूफ़ रेल इंस्टॉल होने तो से गाड़ी का जो लुक है एकदम स्पोर्टी लुक हो जाता है और बढ़िया सा ये लुक देता है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप यहाँ देखिए फिटमेंट बढ़िया है किसी स्क्रू वगैरह से टाइट नहीं किया गया है रियर साइड में जो थ्री एम टेप है उसको निकालने के बाद में इसको चिपकाया जाता है सरफेस को साफ़ करने के बाद में तो ये हमारी कुछ एक्सटीरियर एसेसरीज़ थी जो कि आपने देखा इस गाड़ी के लिए पूरा फुल क्रोम किट कॉम्बो पैक भी आता है वो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ तो आप वो आप देख सकते हैं यहाँ देखें हमारे पास फुल एच नाइट विजन कैमरा है जिसका इंस्टॉलेशन बैक साइड में हम लोग ने किया है और नाइन इंच का फुल टच एंड्रॉयड सिस्टम लाया गया है इसके अंदर उसका रिव्यू भी आपको दूंगा अभी देखिए ड्रिल करके ये एल ई कैमरा बैक साइड में यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और ये है हमारा अर्टिगा कार का 9 इंच का फुल टच एंड्रॉयडो सिस्टम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टू प्लस सिक्सटीन जी का स्टोरेज आपको मिलता है एंड्रॉयड 10 है इसके अंदर और यहाँ जो टच स्क्रीन है एकदम केप कैप्टिव टच मिलता है जैसे ही आप क्लिक करते हैं रिस्पॉन्स मिल जाता है सब में अच्छी बात है कि इसका इसका इक्वलाइजर बहुत बढ़िया है जो कि आपके गाड़ी के जो स्पीकर से उसका साउंड आउटपुट बहुत बढ़िया देता है नेक्स्ट थिंग ये है कि इसमें आपका जो स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल बटन से उसके साथ में इसका अटैचमेंट हो जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा के साइड में अटैचमेंट हो जाता है जीपीएस इसके साथ में मिलता है तो उसके साथ में अटैचमेंट हो जाता है तो बढ़िया चीज़ है यहाँ आप देखिए फुल एच व्यू आपको इसमें देखने को मिल जाता है तो फ्रंट या बैक पैसेंजर यदि कभी वीडियोज़ वगैरह देखें तो ईज़िली आप यहाँ से देख सकते हैं नौ इंच का डिस्प्ले है जी पी साथ में आता है तो गूगल मैप का इस्तेमाल ऑनलाइन ऑफलाइन आप कर सकते हैं साइड में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो सारी कैप्टिव टच बटन्स दी गई हैं होम बटन बैक बटन वॉल्यूम डाउन बटन्स का इस्तेमाल इस तरीके से आप कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए सारे मेन्यूस इसके अंदर प्रीलोडेड एप्लीकेशन तो ऑलरेडी है ही आपको यदि अपनी पसंद की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इजीली कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं इसमें फुल एस डी वन जीरो एट जीरो पी का सपोर्ट इसमें मिल जाता है फाइल मैनेजर आप देखिए तो इसमें सारे बटन्स दिए गए हैं ये एक्सटर्नल पोर्ट की बात करें तो दो यू एस बी पोर्ट इसके अंदर साथ में मिलते हैं आपको मतलब दो पेन ड्राइव लगा सकते हैं और साथ में ब्राइटनेस और ये सारी सेटिंग्स आपको उसमें मिलती हैं जो एंड्रॉयड की सेटिंग है वो तो मिलते ही है साथ ही साथ आपको कार की सेटिंग्स भी इसके अंदर मिल जाती हैं एम पी जो प्लेयर है आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ रेडियो भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल है और जो मैं आपको बता रहा था स्टीयरिंग व्हील जो कंट्रोल बटन है देखिए यहाँ से मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये कंट्रोल बटनस का भी ऑपरेट इसके अंदर हो जाता है तो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है टच स्क्रीन का बढ़िया है एक साल की आपको इसमें कंपनी की वारंटी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं कभी भी प्रॉब्लम हो तो कंपनी आपको इस पर क्लेम दे देती है तो जिस तरीके से आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलाते हैं सेम एज़ इट इज़ इस टच स्क्रीन डिस्प्ले को आप अपनी कार के अंदर यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट इसके अंदर देना होगा वाईफाई के थ्रू इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी आप करके फुल इंटरनेट चला सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करने पर आप हैंड्स फ्री कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं आपका मोबाइल जो है पूरा मिरर लिंक इसके अंदर हो जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा जो लगाया है आप उसका व्यू देख सकते हैं ग्रिड लाइन के साथ में आपको फुल एच डी व्यू इसके अंदर मिल जाता है तो ओवरऑल ये बेस्ट एंड्रॉइड सिस्टम है जो कि कम रेंज में आपको अर्टिका गाड़ी के लिए मिल जाता है इसे इंस्टॉल करने के लिए एक फ्रेम की जरूरत होती है जो कि आप साइड में देख सकते हो ब्लैक कलर की फ्रेम है इसके अंदर इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है तो यदि आपको ये चाहिए तो बिल्कुल आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसे हम आपको होम डिलीवर करवा देंगे चलिए दोस्तों अभी जो हमारी एक्सटीयर एसेसरीज़ है उसमें आपको बैक साइड का स्पॉलर भी मिल देखने को मिल जाता है ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर फिटमेंट के साथ में मिलता है क्लिप वाला है दो क्लिप यहाँ पर लगती है साइड में और ये इंस्टॉल हो जाता है तो बढ़िया है इस तरीके का स्पॉयर भी आफ्टर मार्केट सस्ता मिल जाता है आपको तो अपनी गाड़ी के लिए आप इसे प्रीफर कर सकते हैं और फिटमेंट अच्छी है और लुकिंग वाइज भी अच्छा है सब में अच्छा है कि जो बॉडी कलर है गाड़ी का उसमें आपको मिल जाता है मार्केट में जैसे मैं आपको बता रहा था गाड़ी का जो क्रोम किट कॉम्बो पैक आता है तो उसमें देखिए यहाँ पर आपको जो टेल लाइट क्रोम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है लाइट के ऊपर ये प्रॉपर यहाँ पर इंस्टॉल हो गया और लुकिंग वाइज भी बढ़िया लगता है बैक साइड से तो आप भी इस तरीके का क्रोम किट अपनी अर्टिका गाड़ी के लिए प्रेफर कर सकते हैं आफ्टर मार्केट आपको मिल जाता है हेडलाइट टेल लाइट डोर हैंडल ये सारे के सारे क्रोम्स आपको इस कॉम्बो पैक के अंदर दिए जाते हैं तो यहाँ पर फिनिशिंग देखिए प्रॉपर है सब में अच्छी बात है कि कंपनी का प्रोडक्ट आप लगाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं जाती है कलर वगैरह फैड नहीं होता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों साइड लगाया गया है पीछे में नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर ट्रे लगाया गया है जो कि बढ़िया है इसमें सिर्फ नंबर प्लेट को आपको होल्ड करना पड़ता है और भाई यहाँ हम बात करें तो ये देखिए ये जो है हमारा स्टेयरिंग कंट्रोल और डैशबोर्ड तो उसका बढ़िया है ही इसके अलावा जो मैं आपको नई चीज़ बताने वाला हूँ वो है इस गाड़ी का फ्लोर लेमिनेशन फ्लोर लेमिनेशन आप देख सकते हैं सीटों को पहले बाहर निकाल लिया गया है और जो मेन कारपेट एरिया है उसमें ये लेदर सीट को लगाया गया है और इसी को फ्लो लेमिनेशन कहा जाता है ये आपके मेन कारपेट एरिया को प्रोटेक्ट करके रखता है और डस्ट प्रूफ से बचा के रखता है तो बिल्कुल आपने भी नई गाड़ी खरीदी तो इस तरीके के लेमिनेशन लगवा सकते हैं आप देखिए फ्रंट साइड से लेकर बैक साइड तक पूरा कवर करता है इसके ऊपर आप चाहे तो अलग से मैटिंग डलवा सकते हैं और ये लगाना जरूरी रहता है बिकॉज आपका जो मेन कारपेट है अगर उसमें धूल मिट्टी चले जाते तो वैक्यूम क्लीनर से उसको साफ़ करना पड़ता है और वो हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है तो बढ़िया है ये आपको बीच कलर ब्लैक कलर दो कलर में अवेलेबल होते हैं फ्लोर लेमिनेशन तो आप अपनी गाड़ी के लिए इसे प्रीफर कर सकते हैं इंस्टॉलेशन ना देखिए प्रॉपर है फिनिशिंग बढ़िया है और सारे जो कॉर्नर्स है उसको फाइबर पार्ट्स के अंदर सील कर दिया गया ताकि डस्टिंग वगैरह आपके मेन कार्डपोर्ट को ख़राब ना करें तो ये लेमिनेशन भी आटी गाड़ी के लिए आपको मिल जाता है आप चाहे तो सेवनडी फ्लोर मैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है एक बार इसको करवाने के बाद में आपकी गाड़ी डस्ट प्रूफ हो जाती है तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद जय जै भारत या या। 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 Nobody loves it, yeah. Loves that I'm a dog They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own.